कोही में बीते कुछ दिनों पहले हत्या का मामला सामने आया था, जिस संदर्भ में अधिक जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले जिस जगह काम करता था वहां उसका मृतक के साथ विवाद हुआ था, जिसके चलते गुस्से में आरोपी ने अपने एक मित्र की सहायता से इस घटना को अंजाम दिया था। पहले आरोपी ने मृतक को मौत के घाट उतारा और बाद में फार्म हाउस से पैसे चुरा कर भाग जाने की जानकारी ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश ओला ने दी। 20 जून को मौजा मांगली तालुका कोही में पंचशील नगर नागपुर निवासी दानेश्वर फुले इनके फार्म हाउस में उनके ही फार्म हाउस में काम करने वाले नरेश करुटकर नामक व्यक्ति का मृतदेह दिखाई दिया था। फिरियादी दानेश्वर फुले की जानकारी पर कोही पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। पुलिस ने जांच करने पर पहले पता चला कि पैसों के लिए ये हत्या की गई है। पुलिस ने इसी आशंका पर मृतक के दोस्त और परिजनों की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस के सामने अविनाश नरुले का नाम सामने आया। अविनाश मृतक के साथी इसी फार्म हाउस पर ट्रैक्टर चलाने का काम करता था, मगर मालक से हुई अनबन के कारण उसने 15 दिन पहले काम छोड़ दिया था। पुलिस जांच के दौरान अविनाश से फोन द्वारा संपर्क किया तो उसका फोन बंद था और वह घर पर भी नहीं था। आखिरकार पुलिस ने अविनाश को उसकी बहन के घर से गिरफ्त में ले लिया और पूछताछ शुरू की। पहले तो वो इस हत्या से मना कर रहा था, मगर कड़ी जांच करने पर उसने पूरी हकीकत बयां की। उसने बताया कि 17 जून की रात 9 बजे से 10 बजे के बीच राकेश महाजन नागपुर निवासी इसके मदद से नरेश की हत्या कर दी और बाजू के रूम में रखे पेटी से पैसे लेकर फरार हो गए। अविनाश की कबूलनामे पर पुलिस ने उसके दोस्त राकेश महाजन को गिरफ्तार कर 37,20,500 रुपए बरामद किए हैं। परिवादी ज्ञानेश्वर फुले पंचशील नगर नागपुर के रहने वाले हैं। इनका जो खेत है वो कुही तालुका में मांगली शिवार में इनका खेत है। वहाँ पर इनके खेत में काम करने वाला नरेश करुड़कर ये वहाँ पर काम करता था। वह उम्र इसकी 37 साल थी। 20 तारीख को वकील साहब जब अपनी पत्नी के साथ अपने खेत पर पहुँचे तो उन्हें नरेश की डेड बॉडी वहाँ पर दिखाई दी और डेड बॉडी काफ़ी वहाँ पर बदबू भी आ रही थी और वहाँ पे फ्लाइज भी डेड बॉडी में लगे हुए थे, मैगट्स उसके साथ कुछ कीड़े भी थे वहाँ पर। वकील साहब ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस की टीम ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पुलिस की टीम में जो कुही के थानेदार श्री मदने, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर श्री टेड़े और साथ ही स्थानीय गुने शाखा के पुलिस निरीक्षक जिट्टावार और उनकी टीम ने इन्वेस्टिगेशन को तेज़ी से आगे बढ़ाया। प्राथमिक तौर पर पूछताछ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आई कि अविनाश नरुले करके एक व्यक्ति काम करता था, उसने करीब 10 दिन काम किया और फिर उसने काम छोड़ दिया था। अविनाश नरुले को ताबे में लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने ये कबूला कि उसने अपने एक साथी राकेश महाजन के साथ मिलकर नरेश की हत्या कर दी है और साथ ही वहां पर रखे हुए पैसे उसने चोरी कर लिए हैं। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।